इस फिल्म की शुरुआत होती है दोस्तों के एक ग्रुप से। ये साथ में ड्राइविंग करते हुए बीच पर जा रहे हैं। इनमें से एक कहता है कि वो बीच पर सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि वहाँ नंगी लड़कियाँ देखने को मिलेंगी। इन शब्दों को सुनते ही ये तीनों कल्पनाएँ करने लगे हैं। इसी बीच पुलिस की गाड़ी इन्हें रोकती है, इनसे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। ये कहानी दरअसल इन दोस्तों की नहीं बल्कि पुलिस वालों की है। वर्मोंट में इन चार ट्रूपर्स को इस हाईवे का 50 मील सेक्शन दिया गया है, इसकी देखभाल इन्हीं को करनी है। इसके साथ इनका पुलिस स्टेशन शट डाउन होने की कगार पर है। इसकी वजह है लो प्रोडक्टिविटी। इन पुलिस वालों में एरकॉट, रैबिट यानी रोटो, मैग यानी वो मैग और काल, इन इसी तरह यहाँ से गुजरने वाले यात्रियों को परेशान करने में मज़ा आता है। जिस पे डाउट नहीं होता उसकी भी गाड़ी रोक लेते हैं, उन पर जोक्स मारते हैं, उनके साथ टाइम पास करते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं। कई मोटरसाइकिल सवार लोगों पर भी ये उन्हें रोक कर जोक मारते हैं, पर कभी लॉफुली कोई काम नहीं करते। इन पुलिस वालों का साथी भी है फारवा। फारवा हवस से भरा हुआ पुलिस वाला है। उसका ये सभी पुलिस ऑफिसर्स मजाक उड़ाते हैं। फारवा को परेशान करने में इन्हें कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। आजकल फारवा को रोड की ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया है। पास में उसने यहाँ ऐसी हरकतें की कि उसे यहाँ से हटाना ही पड़ा। इन ट्रूपर्स का हेड है कैप्टन जॉन। वो हाईवे पर एक इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है, पर यहाँ वो देखता है कि स्पर्बरी पुलिस ऑलरेडी यहाँ पहुँच कर इस इन्वेस्टिगेशन को क्लेम कर रहा है। स्पर्बरी पुलिस का चीफ है ब्रूस। वो तो और भी चाहता है कि ट्रूपर्स का पुलिस स्टेशन बंद हो जाए, इसलिए वो खुद इसे इन्वेस्टिगेट करने पहुँचा है। ब्रूस की प्लानिंग है कि जैसे ही स्टेशन बंद होगा उसके स्टेशन को गवर्नमेंट से और भी ज़्यादा फंडिंग मिलेगी। यहाँ इन ऑफिसर्स में वाद विवाद बढ़ने लगता है, तभी यहाँ एक लेडी की लाश मिली है। ट्रूपर्स को औरत की लाश के ऊपर एक टैटू मिला है। ये टैटू मंकी के आकार का है। कुछ समय बाद रूटीन ट्रैफिक स्टॉप के दौरान इन्हें एक सेमी ट्रक मिला है। फोसर रूम को गांजा का लार्ज शिपमेंट मिला है। इस पर स्टिकर्स लगे हैं सेम उसी मंकी के जो कि डेड बॉडी पर मिले थे। इन ट्रूपर्स ने अपने बचे खुचे दिमाग के घोड़े दौड़ाए और निष्कर्ष निकाला है कि उस लेडी की लाश और इस गांजे के शिपमेंट का ज़रूर कोई कनेक्शन है। पर इनका चीफ इनकी इस हरकत पर हंसता है। ये ट्रूपर्स तो ये चाहते हैं कि लोकल पुलिस मिलकर इस मामले की इसी तरीके से छानबीन करे। इनका चीफ कहता है, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, नौकरी के नाम पर छोकड़ीबाजी करते हो, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। फोस्टर को खूबसूरत लड़कियाँ बहुत पसंद हैं, पुलिस वाला है तो क्या हुआ, उसके भी अरमान हैं। उसकी नज़र गई है स्पर्बरी पुलिस ऑफिसर अर्सुला पर। अर्सुला काफ़ी खूबसूरत है। जब भी अर्सुला काम में व्यस्त होती है फोस्टर अपना सारा काम का छोड़कर उसे ताड़ता रहता है। थोड़े ही दिनों में अर्सुला भी फोस्टर को पसंद करने लगी है। यहाँ के एक कोने में जाकर दोनों जिस्मानी संबंध बनाते हैं। ये यहाँ पर रतिक्रिया कर ही रहे थे कि तभी यहाँ फोस्टर को गांजे के छुपे हुए बंडल्स मिले हैं। इन पर भी उसी तरह के मंकी के स्टिकर्स हैं। फोस्टर और अर्सुला इस केस में मिलकर छानबीन करने की ठानते हैं। अर्सुला भी अपने को वर्कर से परेशान है। उसका बस चले तो अपने साथी वर्कर्स को यहाँ से तबादला करा के कहीं और भिजवा दे, पर उसके पास इतनी पावर नहीं है। उसे फ्रंट डेस्क पर ही अक्सर काम मिलता रहता है, पर वो किसी बड़े केस में इन्वॉल्व होना चाहती है। पर अब तक उसने हार नहीं मानी है। वो फोस्टर के साथ इस गांजे के केस को सॉल्व करेगी और अपने को वर्कर्स को नीचा दिखाएगी। इधर फारवा को रोड पर पेट्रोल के तौर पर फिर से रिंस्टेट कर दिया गया है। उसे पार्टनर भी दिया गया है रैमरथन। फारवा कुछ दिनों के बाद एक रेस्टोरेंट कैशियर को अटैक करता है। इस तरह स्पर्बरी पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। बाद में चीफ ग्रेडी फारवा से मिलता है। वो उसे अपने डिपार्टमेंट में जॉब ऑफर कर रहा है, पर बदले में उसे ड्रग इन्वेस्टिगेशन में इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन फारवा ने इन सब से इनकार कर दिया है। हेगन फारवा से हमेशा नाखुश रहता है। वो अक्सर उसे उसकी हरकतों की वजह से डांट देता है। इस तरह उसने फारवा को फिर से सस्पेंड कर दिया है। इधर इन ट्रूपर्स को रोड पर एक कपल ड्राइव करते हुए दिखता है। उनकी स्पीड 90 के करीब है, जबकि यहाँ स्पीड लिमिट है 65। इन ट्रूपर्स ने इनकी कार रोकी है। ये हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड अपनी सफाई देता है। ट्रूपर्स इसे नहीं मानता। हस्बैंड कहता है, अगर तुम चाहो तो मेरी वाइफ के साथ कुछ वक्त गुजार सकते हो, बदले में हमें छोड़ दो। ट्रूपर को ये आइडिया पसंद आया है। उसकी वाइफ अपने अंगों को दर्शाती हुई ट्रूपर को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब वो कार से उतरती है तब ट्रूपर जाकर उसके साथ चुंबन क्रिया करता है। ये सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चलता है। इधर स्पर्बरी में गवर्नर पहुंचा है। एमर्थन और फोस्टर स्टेशन में आकर विनेबैगो को चुरा लेते हैं।
इनकी प्लानिंग ये है कि मीडिया के सामने ये कहेंगे कि गांजे के कंसाइनमेंट को इन्होंने पकड़ा था, इसे इन्हें वाहवाही मिलेगी। पर यहाँ ये लेट हो गए। स्पर्वली पुलिस ऑलरेडी यहाँ के गांजे को सीज कर चुकी है। चीफ ग्रेडे ने इसका क्रेडिट भी ले लिया है। फोस्टर को समझ नहीं आ रहा कि स्पर्वरी पुलिस को आखिर गांजे की लोकेशन का कैसे पता चला। ये तो सिर्फ उसे पता था और अर्सुला को। उसका शक अर्सुला पर गया है। वो उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाता है। वो कहता है, तुमने ये सब किया था कि तुम्हें फ्रंट डेस्क से हटाकर तुम्हारे पसंदीदा केस में जगह मिल जाए। अर्सुला इन सबसे इनकार करती है, पर फोस्टर वाला अर्सुला पर क्यों भरोसा करे। अब इन ट्रूपर्स के पास कुछ दिखाने को कुछ भी नहीं है। अब इन्हें पूरा यकीन है कि इनका स्टेशन अब बंद होके रहेगा। स्टेशन पर ट्रूपर्स फारवा को देखते हैं। वो स्पर्वली पुलिस के यूनिफॉर्म में है। इसे फोस्टर को रियलाइज हो गया है कि गांजे की लोकेशन अर्सुला ने नहीं बल्कि धोखाधड़ी फारवा ने की है। उसने उन लोकल पुलिस वालों को गांजे की लोकेशन बताई। अब इन ट्रूपर्स के साथ ओहेगन भी फारवा को सबक सिखाना चाहते हैं। वो फारवा को हैंडकफ से टॉयलेट में बांध देते हैं। इसके साथ ही वो चीफ ग्रेडी के घर को वेंडलाइज करके उससे भी बदला लेते हैं। अब फोस्टर को रियलाइज हो चुका है कि अर्सुला धोखेबाज नहीं थी। इस तरह अब दोनों साथ में हैं। अर्सुला भी इन ट्रूपर्स को हेल्प ऑफर करती है। वो इन्हें ग्रेडी तक पहुंचने में टिप ऑफर करती है। अर्सुला की मदद से ट्रूपर्स एक ट्रक को पकड़ते हैं। इस ट्रक में ड्रग भर के ले जाया जा रहा है। इस तरह इन ट्रूपर्स को दिखाने के लिए कुछ तो हाथ लगा है। पर जैसे ये ट्रक को परस्यू करते हैं, यहाँ एंट्री हुई है फारवा की। फारवा इन्हें गन पॉइंट पर लेता है। वो कहता है, तुम सब ने मुझे एक सीरियस पुलिस के तौर पर कभी नहीं लिया। तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। यहाँ ओहेगन इंटरवीन करता है। वो कहता है कि तुम भी हमारी मदद करो, हम सब मिलकर इन ड्रग्स स्मगलर्स को पकड़ेंगे। अब फारवा भी इनके साथ है। ये ट्रक को पास के फील्ड तक फॉलो करते हैं। कैनेडियन प्लेन से गांजे को इस ट्रक में लोड किया जा रहा है। यहाँ चीफ ग्रेडी और स्पर्वरी पुलिस ऑफिसर्स पहुँचते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्पर्वरी पुलिस वाले ऑलरेडी इन स्मगलर्स से मिले हुए हैं और उनकी देखरेख में ये सारा धंधा चल रहा है और इस तरह ये गंदा धंधा फल फूल रहा है। ट्रूपर्स यहाँ अपनी समझदारी से सभी को अरेस्ट कर लेते हैं। इस तरह इन ट्रूपर्स को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इन सब बातों के कुछ दिनों बाद गवर्नर ओहेगन और बाकी ट्रूपर्स को थैंक यू वाला नोट भेजता है। वो कहता है कि उनकी वजह से इतने बड़े गैंग का पर्दाफाश हो गया, पर इन सब के बाद भी वो स्टेशन को बंद करने वाला है। वो कहता है कि गवर्नमेंट को इस स्टेशन की अब कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह अब ये स्टेशन बंद हो गया है और इसे बंद हुए अब 3 महीने हो चुके हैं। एमेथन और रैबिट अब डिलीवरी मैन के तौर पर काम करते हैं। एक कॉलेज स्टूडेंट ने पार्टी ऑर्गेनाइज की है। इन दोनों को यहाँ बियर डिलीवर करने का काम मिला है। यहाँ टीनेजर्स इन पावरलेस ट्रूपर्स का मजाक उड़ाते हैं। पर तभी यहाँ एक सीक्रेट का खुलासा होता है। ये ट्रूपर्स यहाँ अपने यूनिफॉर्म को रिमूव करते हैं। ये डिस्क्लोज करते हैं कि अब ये स्पर्वरी पुलिस में काम करते हैं। यानी जो लोकल पुलिस को हटा दिया गया उनकी जगह पर इनको हायर कर लिया गया है और अब ये लोकल पुलिस के तौर पर काम करते हैं। इसी नोट पर ये फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड पर।